पुलिस का मोबाइल ऐप सिटीजन कॉप को पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इस मामले की जानकारी के लिए जीपी सिंह एडीजी ईओडब्ल्यू को दिल्ली में आमंत्रित किया गया था। जीपी सिंह द्वारा सिटीजन कॉप का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिया गया और इस दौरान पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के डीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की एडीजी जीपी सिंह ने। जानकारी साझा करने के लिए एडीजी जीपी सिंह मौजूद है, तो हम सबसे पहले उन्हीं के पास जानना चाहेंगे। और सर, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जो सिटीजन कॉप ऐप है, कल आपने इसकी जो जानकारी है वो केंद्र सरकार के सामने आप रख के आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिटीजन कॉप हम लोगों ने पिछले 4 साल से छत्तीसगढ़ में लागू किया है और इसके बहुत बेहतर परिणाम आए हैं। केंद्र सरकार के बीपीआरएनडी संस्था है, इनकी एक माइक्रो मिशन प्रोजेक्ट है जिसका मैं एक सदस्य हूं। उस माइक्रो मिशन प्रोजेक्ट में मैंने एक वन नेशन वन ऐप, वन कंट्री वन ऐप का एक आइडिया मैंने दिया था। और उनको मैंने ये आइडिया दिया था कि हम लोग बिना शासकीय बजट का उपयोग किए सिटीजन कॉप को पूरे देश भर में लागू कर सकते हैं। सिटीजन कॉप एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन है जो आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करता है। इसको इंडिया में बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन का अवार्ड मिला है, डिजिटल इंडिया अवार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लैटिनम कैटेगरी का अवार्ड मिला है। ऑलरेडी टाइम टेस्टेड है और फील्ड में अजमाया हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि 27 राज्य हैं, हर राज्य अपना डेवलप करेगा। एक आम नागरिक को, जो मेरी एक बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स से क्या मतलब है, वो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो उसको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, मल्टीपल एप्लीकेशन, 27 जिले मतलब 27 एप्लीकेशन, तो ये कितना इनकन्वीनियंट है एक आम व्यक्ति के लिए। क्यों ना मैं पूरे देश भर में एक लागू करने के लिए इसकी अहम भूमिका निभाऊं। और दूसरी बात यह है कि मैं करोड़ों रुपए खर्च करूंगा, हर राज्य करोड़ों रुपए खर्च करेगा इस प्रकार के एप्लीकेशन के निर्माण के लिए, तो मैं इसका आपको फ्री में दे रहा हूं। तो बिना शासकीय धन का इतना बड़े मात्रा में उपयोग किए एक पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत मैं इसको लॉन्च कर सकता हूं। और इसमें जितने लेवल के फीचर्स हैं वो फीचर्स भी, और जितने भी मोबाइल ऐप अवेलेबल उसमें इस प्रकार के फीचर्स नहीं हैं। तो ये जो आइडिया था इसको बहुत पसंद आया। पहले भी मैं 2-3 बार प्रेजेंटेशन दे चुका हूं। कल का प्रेजेंटेशन डीजीपी साहब के सामने था, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से इसको देखना चाहते थे। वो प्लस उनकी पूरी संस्था की पूरी टीम कल बैठ के इन्होंने पूरा लाइव डेमोंस्ट्रेशन देखा और देख के वो काफी प्रभावित हुए कि बहुत ही उपयोगी है। तो देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी और बहुत अच्छा रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को सराहा गया है और आने वाले समय में केंद्र शासन के स्तर पर बीपीआरएनडी इसका प्रयास भी करेगी कि इसको इस तरह पे लागू किया जाए, उसकी मॉडलिटीज तय करेगी और फिर नेचुरली विभिन्न राज्यों को वो फिर पत्राचार भी करेगी। सिटीजन कॉप ऐप है, उसे पूरे देश भर में लागू किया जाएगा, साथ ही इससे जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उस पर भी लगाम लगाई जाएगी, जिससे कि बड़ी घटनाएं होने की आशंका भी कम हो सकती है। कैमरामैन जगन्नाथ राव के साथ सुप्रिया पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। जनता को